डॉक्टर सुनीता बहुत अच्छा काम कर रही है और आज जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उसके लिए मतलब जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के लिए और मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है और इसलिए मैं सुनीता जी को मुबारकबादी देती हूँ और कहती हूँ कि इतना अच्छा काम करते रहें। कितना जरूरी है आशा जी कि समाज में इस तरीके का अवेयरनेस लाना कि हाँ गर्ल चाइल्ड को सेफ लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है क्योंकि मतलब गर्ल चाइल्ड जो है मेरे हिसाब से एक नारी शक्ति है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अच्छा जी, आपको भी आज अवार्ड किया जा रहा है, ब्याह से क्या कहना चाहेंगे? किया जा रहा है, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है क्योंकि आई सेव द गर्ल चाइल्ड का प्लेज ले रही है मैम सबके लिए और ये सपोर्ट कर रही है कॉज को और ये खुद भी अपने आप में एक महिला की सशक्तिकरण की बहुत बड़ी रूप है। जो आदर इनके लिए लोगों के मन में है वो आप देख ही सकते हैं कि सब एक सेकंड देखने के लिए और मिलने के लिए इनसे दूर से आए हुए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड टू हैव हर एंड इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया आशा पारेख मैम ने और हॉस्पिटल कई लोगों को उस टाइम पे फिल्म स्टार का बनाना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक किसी ने बनाया नहीं इस तरह का हॉस्पिटल जो आज तक उसका नाम है इतना। आशा जी आप कुछ कहेंगे? आपको ऑनर किया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है ऑनर किया जा रहा है और वो भी एक ऐसी संस्था से जहाँ एक बहुत अच्छा काम नोबल काम हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। My hubby is getting happy. Wow! So please, the very young and dynamic. Sir, I wonder what you're doing in Goa. And that is the best doctor in Goa. So please stand together with a very smart dynamic and a handsome doctor. You're with us, Dr. Keta. Very good evening to all present here. Thanks to Manscaped for giving me this opportunity to be on this platform. Yes, I work as a medical director in Goa Medical Association. I have done aquatic therapy at 10 girls' schools. I have taken a lot of aquatic sessions invited by government of Bangladesh. I have got my 15 international publications on research. Yes, as a physiotherapist, people took us granted, but today I can tell you from Virat to Sachin, if anyone falls on the ground, it is the physiotherapist runs on the ground, checks Virat, checks Dhoni, and sees that he is fit to play cricket. That is the importance of physiotherapist. कितना जरूरी है इस तरीके का कार्यक्रम करना और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, क्या कुछ करना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे बहुत लोगों का उत्साह बढ़ेगा, बहुत लोगों को मदद मिलेगी। ऐसे कार्य करना बहुत ही अच्छी चीज है और मैं सुनीता जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है और बहुत बहुत। मैम आपको भी सम्मानित किया गया, कैसा फील कर रही हैं और जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो कैसा रहा वो पल, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे सब कार्यों को इतना सराहना हो रही है, बहुत आनंद है। खास करके सेव गर्ल्स चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए मैं कई सालों से लाडली से अटैच्ड हूँ जो कि काफी गर्ल्स चाइल्ड पे काम करती है और काफ़ी उनके काम से ये भी हुआ है, मदद भी हुई है और ये तो बहुत ही जरूरी है अपने देश में। और अब तो धीरे धीरे ये हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं पर अभी भी बहुत चीज़ें करनी बाकी है। सुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, क्या है आज का कुछ पूरा कार्यक्रम के बारे में, अवार्ड 2019 के बारे में, मिड स्कैप इंडिया नेशनल अवार्ड 2019 के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टरों का वो काम, वो चेहरा दिखाता है जो फिलान्थ्रोपिक काम होते हैं, उनके जो सामाजिक काम जो होता है उसको अवेयर करता है, उसको उसके लिए प्लेटफॉर्म है कि देश में सबसे ज़्यादा फिलान्थ्रोपिक, सबसे ज़्यादा सोशल काम करने वाले बिना बोले जो रियल हीरो होते हैं हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए अप्रिसिएशन है उनके काम के कंट्रीब्यूशन को। और एक तरह से हर डॉक्टर के अंदर जिस तरह से नॉमिनेशन हमारे यहाँ आते हैं कि कैटेगरी में 30,000 के नॉमिनेशन आते हैं जिसको बहुत प्रोसेस के साथ हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं जूरी प्रोसेस के साथ, तो उसमें ये रियलाइज़ हुआ कि लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उन्हें जानते नहीं हैं, तो ये एक्चुअली अनसंग हीरो
हीरो का प्लेटफॉर्म है मेडिकल कम्युनिटी के साथ जो भी अच्छे काम में काम करता है, लाइक सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए उसका एक अवार्ड होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड है, अभी पी वी सिंधु को ये अवार्ड मिल रहा है इस बार के लिए, और जो स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करते हैं, अभी आज के अवार्डी में हमारे जगी सदगुरु भी हैं, उनको मिल रहा है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज गेटिंग शी सेंड अ वीडियो इन अवार्ड इज अ लिटिल लेटर ऑन बट इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इवन पर्सन डॉक्टर राव इज गेटिंग फ्रॉम तमिलनाडु हेल्थ एंड मोर देन 2 lakh पीपल फॉर द रिमोट एरिया सो सच काइंड ऑफ अवार्डीज आर कमिंग हु हैज इम्पैक्टेड द लाइफ सर्टन वे ये डॉक्टरों का है कि वो जितना काम कर रहे हैं उनके काम को दिखाना और लोगों तक पहुँचाना और उनके प्रति लोगों के मन में जो भी थॉट प्रोसेस है उसके बारे में रियलिटी दिखाना इसी तरह हमारा डॉक्टर एंथम भी है जो डॉक्टर पेशेंट की फीलिंग्स को बताते हैं कि वो कैसा फील करते हैं डॉक्टर हम अपने पेशेंट के लिए कैसा फील करते हैं वो हमारे कई सारे प्रोग्राम में एक्सप्रेस होते हैं ऑथेंटिसिटी की बात करें मैम तो कितना ये है जरूरी है किसका ध्यान दिया जाता है ऑथेंटिसिटी की ऑथेंटिक की बात करें इस अवार्ड की ऑथेंटिक की बात करें तो किस प्रकार से उसको देखती हैं आप सर ये क्या होता है कि वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस इन डिपार्टमेंट जब नॉमिनेशन आता है उसके 6 महीने की प्रोसेस होती है लोग सिलेक्ट होते हैं 30,000 के अंदर आप बेस्ट 15 निकालते हैं फिर फर्स्ट लाइन जूरी नेशनल प्रेसिडेंट के पास जाती है जैसे आई एम रेडियोलॉजिस्ट तो मेरी नेशनल प्रेसिडेंट विल बी द यू नो फर्स्ट जूरी हु हैज टू नॉमिनेट एटलीस्ट बेस्ट 15 फ्रॉम द मेडिकल फ्रॉम इंडिया देन सेम वे आफ्टर सिलेक्शन इट गोज टू द फाइनल जूरी जैसे कार्तिकेय जी इज आवर जूरी हु इज अ सीबीआई डायरेक्टर वी हैव मिशालकर हु इज ऑल्सो त्रिगुना वैद्य त्रिगुना जी फ्रॉम डेली इज अ जूरी फॉर द फाइनल तो पीपल हु आर एसोसिएट देयर हाई कैलिबर एंड दे नो वॉट इज गोइंग ऑन वी सिलेक्ट पीपल विद द विग्रेस प्रोसेस एंड देन वी अवार्ड देम टूडे इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अदरवाइज नॉर्मली इज टू बी आउटसाइड एंड वी आर रियली फाइंडिंग डिफरेंट एंड इट इज एक्साइटिंग ऑल्सो एंड मैम हैज कम टू ब्लेस अस सो यू कैन फील इट कि हाउ डीप रूटेड दिस प्रोग्राम इज चैलेंज था सुनीता जी पेन था चैलेंज था ये फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक मैंने सिर्फ किताबों में पढ़े थे और जब प्रॉब्लम हुई थी बीच में उसमें ही सुनी थी बट जब हम लोग को आशीष जी ने बोला लाइक यू शुड डू हियर आल्सो सम प्रोग्राम स्पेशली द सेव द गर्ल चाइल्ड तो हमने वी थॉट टू डू इट हियर एंड एवरीबडी फ्रॉम माई कमेटी राजीव बुदा जी ऑल दिस एवरीबडी हैव supported this wholeheartedly this program they all welcome us we didn't feel ki I am a doctor I am not from the finance background and doing Bombay Stock Exchange so we had got tremendous support from the people for this campaign itself save the girl child wish all the best thank you so much thank you.